आपके सिस्टम में आता है तो वो ऑटोफिल प्रोसेस में ऑटोमेटिक उसकी आईडी लग जाती है, ठीक है। तो जब आप 10,000 रुपए देके इसमें जुड़ते हैं, फंड ले लेते हैं, आप अपनी आईडी लगा के कैश कर लेते हैं, तो लायबिलिटी खत्म, रिस्क खत्म। लेकिन वो पैसा हमने क्या दिखाया है कि हम आपसे इसके लेते हैं कि हम आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क से आ रहा है जो शायद आपका भी नहीं है। समझ में आ रही है? ऑटो फिल में हो सकता है किसी क्रॉस टीम के भी नेटवर्क से उसमें ऑटो फिल आ जाए, ये तो सच है ना। तो हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपका प्रमोशन कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इस 10,000 रुपए का हम जीएसटी भी पे करते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर हम जीएसटी दे रहे हैं तो लीगल हुआ, इनलीगल हुआ? लीगल हो गया। क्लियर हुई बात? तो हम किस चीज के वहां पर दिखा के जीएसटी दे रहे हैं कि हम आपको प्रमोट करके आपको एक नेटवर्क और दे रहे हैं। अब उसको कैसे दिखाया जाएगा? जब आप हमसे जुड़ते हैं आने वाले समय में, अभी हम सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं, आपको पीआरडी क्लब में वहां पर कुछ प्रमोशन के लिए वीडियो और कुछ ऐसी वीडियो की चीज की होगी। मैं आपको बता दूं, कोई किसी का प्रमोशन इस तरह से नहीं करेंगे। निदान का ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका प्रमोशन आपको एक दूसरे के साथ करना है, चाहे केबीसी मुक्ति क्राउड फंडिंग का हो, सोशल एक्टिविटी का हो, कोई मैगजीन आती है, कोई बैग्स आते हैं इस तरह के, तो उनका प्रमोशन करना है आपको। और उस प्रमोशन करने के बदले हम जो ये इनकम आपको दे रहे हैं, उस प्रमोशन करने के बदले हम वो इनकम आपको दे रहे हैं जिसका टीडीएस काटते हैं और एडमिन चार्ज काटते हैं। तो लीगल हुआ या नहीं हुआ? लीगल। बात समझ में आ रही है? यस। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे फील्ड में ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको नेगेटिव कर रही है और आप भी ऐसे महान भी नेगेटिव हो जाते हैं। किसान परिवार से कितने लोग हैं यहां पर? खेती सभी करते हैं, आप जानते हैं ना, खेती करते हैं जब अपनी जमीन पर, हल चलाते हैं, उसे जोतते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जब आपको कोई नेगेटिव करता है तो होता क्या है? जब कोई आपको नेगेटिव करने जाता है तो वो आपकी जमीन पर अपनी खेती करता है। ये जमीन आपकी, ये दिमाग जो है वो अपनी खेती करके चला जाता है, गलत सलत बीज बो के चला जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। अगर आपकी जमीन पर कोई दूसरा आदमी खेती करके चला जाए जो किसान परिवार के लोग हैं, गलत बीज बो के चला जाए, तो आप उसे माफ करेंगे, उसे छोड़ेंगे? तो साहब तोमर साहब ने कितनी अच्छी किक मारी थी ना, इसी तरह किक मार के आउट कर दो उसे। अपनी जमीन पर खेती मत करने दो। तो कौन होता है आपकी जमीन पर खेती करने वाला? कुछ भी समझाएगा आप समझ जाएंगे। अच्छी बातें समझ में नहीं आती, बुरी बातें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं। यहां पहुंचने के बाद लोग कहते हैं, आपने तो सच्चाई बोली नहीं, किसी ने, हो सकता किसी के मन में आ रहा हो, मैंने पीआरडी क्लब में इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि तो अगर मैं 45 दिन में पर्ल नहीं बन पाया तो, मैंने इसलिए पर्ल बन के इसमें ज्वाइन नहीं किया अगर मैं 15 दिन में दो नहीं दे पाया तो। ईमानदारी से बताना, सच्चाई कसम है आपको, किस किस के दिल में ऐसी बात आ रही है, इसका रास्ता बताऊंगा। आप खड़ा करो ईमानदारी से, जिसने ये सोच के ज्वाइन नहीं किया, तो गंगा मां की कसम। अब तो बांध दिया है। चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसी बातें दिमाग में आ रही है तो क्यों आती है। मेरे दो नहीं हुए तो क्या होगा, मैं 45 दिन में पर्ल नहीं बन पाया तो क्या होगा। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई ऐसे लोगों की जो हमेशा नेगेटिव सोच के लिए तो क्यों लगाते हैं। बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं साथी, ये बस में नहीं चढ़ते कि बम फट गया तो क्या होगा, ट्रेन में नहीं चढ़ते पटरी से उतर गई तो क्या होगा, प्लेन में नहीं बैठते हाईजैक हो गया तो क्या होगा। इतने खतरनाक, पंखे के नीचे सीधा नहीं सोते, पंखा गिरा कैसी जोर से चाली है, इतनी जगह हंसी आ रही है, जिसकी पत्नियां बैठी है ऐसा मत सोचो भाई। ये तो जब इन तो लगाते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं आपकी प्रगति रुक गई, कहीं ना कहीं रास्ता आपका रुक गया।
अब ये क्यों नहीं सोचते कि अगर 15 दिन में दो हो गए तो क्या होगा, अगर 45 दिन में पल बन गया तो क्या होगा, मैं बताऊं तो क्या होगा। अब एक बात और बताता हूं, जैसे ही आप गोल्ड बनते हैं, आप पर्ल बनते हैं, तुरंत सीनियर ना बताए पकड़ लो सीनियर को जबरदस्ती। आज जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, जाकर अपनी टीम में बताओ कि हमें पीआरडी क्लब में जाना है, क्यों।